वेरीट फिश मार्केट इट टूडे देखो फिश मार्केट में जाओगे तो सब अपना सामान बेचने के लिए बोलती है और हम फिश मछली दिखा भी दी है हैव वेव दॉट द गुड कैच द फिश आर मैन शोइंग अदर बायर मिनी देखो कहती है 63 इस दिस मछली दा शार्नेस अरे पोठुआ जो पोठुआ गांव में होता है ना 40 रुपए पर के ग्रेसी करे है नेवर सुची इससे कोई सस्ता नहीं मिलेगा ये स्वाद मछली है 60 रुपए के और रमा ब सेल फॉर द 130 मछली है आ ये एस्क्ड मछली पचास रूपए पर केजी फजीला हार्डली कैली द किंग फिश दी देश वेट एट के जी इसका फेस देखो यहां पर मैं दिखाया था ये नो 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 ये सबसे बड़ी वाली मछली है ना अब प्रैक्टिस की टाइम आ गई है क्वेश्चन करने का प्राइस पर के जी किंग फिश किंग फेस ये आठ के जी बारह सौ रुपया में है तो एक के जी बारह सौ बटे आठ यानी एक सौ पचास रुपया होगा है टेन के जी पॉन स्टूडेंट हाउ मच मेनी डेट सी गेट फॉर दैट अगर एक के जी बेचती तो डेढ़ सौ रुपया होता तो टेन के जी में टेन गुने डेढ़ सौ बराबर पंद्रह सौ रुपयाजी स्वाड फिश मिनी हैज कार्न तो यह स्वाड फिश है साठ रुपए के जी तो साठ गुने छे तीन सौ साठ तो मिनी का है चालीस रुपये के जी तो इसको भागा दे देंगे तो नौ यानी नौ के जी बेचना पड़ेगा वैसा है सो हंड्रेड रुपीज स्पेंड वन फोर्थ द मनी ऑफ द स्क्वेड स्क्वादर थ्री फोर्थ प्रवंस यहां पर देखो हंड्रेड रुपीज उसका है वन फोर्थ यानी पचीस रुपया चाहता है कि स्क्वाय मछली ले लें और पचहत्तर रुपया का हम प्रवंस मछली ले लें यहां पर ध्यान दो मेरे दोस्त एक केजी का दाम पचास रुपया है तो पच्चीस रुपया में आधा केजी मिलेगा आधा के ये ले जाएगा वो डेढ़ सौ रुपया जो है पर है तो ये आपका हाफ के जी ले जाएगा यह बात समझ में आया कि नहीं आया अब तुम्हारे पास क्या है ना हाउ मेनी किलोग्राम स्क्वायर डीट हुआ अभी तो बता दिया हाफ के जी और हाफ के जी यही चीज को हमने टाइप करके आपको दिखा दिया गया है प्रयास किया गया है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज को हम समझाएं मैंने बोर्ड अप द अबाउट गुड कैच द फिश आर द शूटिंग दे आर द फिश द ये 40 रुपए पर केजी देती है ये वाला 60 रुपए 150 ये क्वेश्चन को मैंने डाल दिया यहां से मैंने क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है तो यहां पर प्रयास किया है यहां पर फैजिला बोल रही है कि बहुत बढ़िया मछली है 8 केजी का है 150 रुपए के हिसाब से यहाँ भी डिस्टर्ब किया होगा ग्रेसी सोल्ट सिक्स वाला है तो 360 केजी साठ यहां पर अर्निंग उसको भी मिनी को भी इतने करना पड़ेगा तो 360 बटे 40 तो 9 केजी। जी वन फोर्थ का मतलब यहाँ पच्चीस रुपया थ्री फोर्थ का मतलब पचहत्तर रुपया पचास रुपया पर केजी था तो पच्चीस रुपया में हाफ के जी मिलेगा यहाँ पर भी हाफ के जी मिलेगा लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है ना जोर जोर से तुमको चिल्लाना है क्या सी सेल्स सी सेल्स ऑन द सी सो सी इज द श्योर दैट द सेल दैट सी सेल विल बी थ्री नो मोर अब तुम्हारे पास क्या है कि अब इसी टाइप के हिसाब किताब तुम्हें सिखाना पड़ेगा यहां पर सबसे पहले तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा ये वन है। इसको हाफ बोलते हैं यहां वन बाय फोर हो गया वन बाय एट हो गया वन बाई सिक्सटी। आप तुम्हारे पास क्या है ना ये वन है वन बाई टू है वन बाई फोर है वन बाई एट है वन बाई सिक्सटी। इसको हाफ कहा जाता है एक क्वार्टर हो गया ये हाफ क्वार्टर हो गया यहां क्वार्टर क्वार्टर हो गया <coughs> क्या करना होगा कि यहां पर अब देखो यहां पर कोई सोलर आना बोलता है तो देखो पहले सिक्सटी फोर पैसा का होता था तो एक आना में चार पैसा होगा अब एक रुपया में सौ पैसा होता है सवा छह पैसा हुआ तो जैसे पहले बोलता था आदमी फोर आना फिर आठ आना तो यहां पर ये यह हुआ पच्चीस पैसा का पार्टनर है ये पचास पैसा का है इस ढंग से अब तुम्हारे पास क्या करना होगा कि ऐसे हिसाब हम करते कैसे हैं ये भी प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा पहले नाइन वैल्यू चार्ट होता था जैसे ए वन के जी का दाम सपोज करो सेवेंटीन रुपीज है तो यहां पर टू के जी का थर्टी फोर रुपीज हो जाएगा थ्री के जी का फिफ्टी वन रुपीज हो जाएगा फोर के जी का सिक्सटी एट रुपीज हो जाएगा फाइव के जी का एटी फाइव रुपीज हो जाएगा सिक्स के जी का वन जीरो टू रुपीज हो जाएगा सेवन के जी का एक सौ उन्नीस के जी हो जाएगा एक सौ उन्नीस रुपीज और आठ के जी का एक सौ छत्तीस रुपीज हो जाएगा नाइन के जी का वन फिफ्टी थ्री हो जाएगा तो देखो इसका हिसाब कैसे है अगर कोई 17 रुपीज पर केजी कोई फीस हो और कोई लिया दो सौ पचास ग्राम तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा समस्या है तो ऐड कैसे करेंगे यह जानना की जरूरत है तो एक हजार ग्राम का सत्रह रुपीज होता है यहां पर एक हजार ग्राम का सत्रह रुपीज होता है यह बात तो तुम्हारे पास क्लियर हो गया ते दो से मल्टीप्लाई किया था तो थर्टी फोर हुआ था और यहां पर दो जीरो और सत्रह पचे पचासी एक जीरो अब इसको जोड़ दिया पांच ये यानी यहां पर पैसा में तुम्हें ये आ गया फोर टू फाइव तो रुपीज में करने के लिए इसको तीन अंक चूंकि वन के जी में वन थाउजेंड ग्राम होता है यानी तीन अंक खसका देंगे यानी चार रुपया पच्चीस पैसा उसको देंगे इसी ढंग से सोचो साढ़े तीन सौ ग्राम होता तो कितना पैसा देना पड़ता तो तीन वाला चार्ट दे दिया है, एक यहां पर दो जीरो पांच वाला एटी फाइव जीरो यानी पांच रुपया पंचानवे पैसा यानी वो जितने अंक के पास है वो अंक खसका के लिख देना है अगर वो 212 ग्राम 212 ग्राम लेता तो क्या होता तो यहां पर हिसाब होगा 34 फोर पर डबल जीरो एटी पर सिंगल जीरो और यहां 34 यहां फोर एट ट्वेल्व फोर यानी फोर पॉइंट टू एट फोर पैसा इन्हें नाइन वैल्यू चार्ट के अनुसार यह बनाया गया था इसी से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिफाइन किया गया अगर कैलकुलेशन समझने में दिक्कत होगा तो इसकी कैलकुलेशन का मैं एक अलग से नाइन वैल्यू चार्ट का बताया है उसको वीडियो देखना पड़ेगा या और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तीन सौ तेरह ग्राम का क्या दाम होगा तो पहले तीन वाला का कितना है फिफ्टी वन दो जीरो यहां पर सत्रह पर एक जीरो और फिफ्टी वन वन यानी पांच रुपया बत्तीस तीन सौ इक्कीस पैसा ये हिसाब आपके कभी गलती नहीं होगी आराम से तुम कर सकते पहले जब कैलकुलेटर का निर्माण नहीं हुआ था तो पेट्रोल पंप से लेकर के दुकान में ये नाइन वैल्यू चार्ट लग जाता था ये नाइन वैल्यू चार्ट लग जाता था और इस नाइन वैल्यू चार्ट के सहारे आदमी कैलकुलेशन कर लेता था लेकिन हुआ क्या कि अगर कोई किराना दुकान खोला है और पचास को सामान है पचास जगह इसको लगाना पड़ेगा तब महान गणितज्ञ पास्कल साहेब ने कैलकुलेटर का निर्माण कर दिया कि गुना कर दीजिए सीधे हो जाएगा लेकिन नाइन वैल्यू चार्ट आप लोग को जानना चाहिए भैया क्वेश्चन आंसर करते हैं फजीला का जो किंग है किंग फिश है वह यहां पर देखिए एट वाइट फ्राइज द पर के जी फैजीला वेल सेल द किंग फ़ैक्स टेन केजी और दो हजार में बेच रही है तो दो सौ रुपये पर केजी अगला प्रश्न है फ्लोरामा है ट्वेंटी केजी फ्रॉम अरे डेढ़ सौ रुपया पर के जी था ट्वेंटी के जी बेच दी

ग्रेसी है सोल्व फोर के जी और ये आपका साठ रुपए छो चो को चालीस ग्रेसी टेन के जी श्वार फिश और स्वाटफिश साठ रुपए है तो यहां पर छह सौ रुपया हो जाएगा चालीस से पंद्रह चौक साठ इसको पंद्रह के जी बेचना पड़ेगा फॉर शॉर्ट सॉल्ट फाइव के जी प्रॉन्स ग्रेसी ऑन द मच मनी द फोर रेमा हाउ मेनी शॉर्ट फेस डिड ग्रेस सेल सेलिंग प्राइस शॉर्ट साठ रुपए एन ए यानी साढ़े बारह किलो बेचना पड़ेगा <coughs> यहां बेसर है बारह सौ रुपया ही हाफ, यानी रुपयानी सौ। स्क्वाड मछली पर किया स्क्वाड मछली यहां पर पचास रुपये है जीरो जीरो कट गया बारह बार में अगला यहां पर वन फोर्थ है वन हाफ है फिर छह सौ रुपये और डेढ़ सौ के हिसाब से पंद्रह सौ को साठ चार के जी अमाउंट अब इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा मुझे बताने का मौका देखो यहां पर हाफ हुआ वन बाय फोर्थ हुआ वन बाई एट हुआ वन बाय सिक्सटीन इसको क्वार्टर क्वार्टर या यहां पर वर्ड यूज होता है छटाक या आना यहां पर देखो जब पैसा की बात होगा ना कोई बिजनेस की बात होगा तो कितना आना यानी यह या कोई बिजनेस है और इसको 16 भाग में बांट दिया गया उसमें आपका हिस्सा कितना है तो यहां पर पहले चौसठ पैसा का होता था 16 से हो गया तो चार पैसा फिर सौ रुपया का होने लगा यहां पर सवा छे पैसा छठाक में पहले क्या था ना कि एक छठाक में पहले जो होता था वह छप्पन ग्राम होता था यानी छप्पन को छ से गुना कर दिया सोलह छियानवे की छह पांच साठ बारह पांच साठ सोलह ना सोलह पच्चीस अस्सी और यहां नवासी आठ छियानवे ग्राम यानी उसको पहले शेर कहा जाता था आठ छियानवे ग्राम को शेर और एक केजी को एक हजार यानी अभी साढ़े बासठ ग्राम का हुआ जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि इनको पांच गांव दे दो और एक साल का खाने का जो है पैसा दे दो तो बोलता क्या है कि आप यह बात जो आप कह रहे हैं यह तुम्हारे बात को तो यहां पर तुम्हारे पास वो जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं है ये छटाक भी नहीं दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस